कुछ नहीं कहा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद 5/2 आया। कैसे ब्रेक करोगे बता चुके हैं, इसको ब्रेक किया 3/4 आ गया है ना। हाँ सर, अंशिका भी नहीं आई है, नहीं आई है, शैतान भी सब सुतल है, श्रुति भी सुतल है कि नहीं। हाँ सर, अब ये 5/2 4/3 है ठीक। अब ये ऐड करने ला बताए हैं कि नहीं बताए हैं, ऐड करने के लिए इसको बताए हैं ना। हाँ सर बताए तो हैं सर, कैसे करोगे ऐड है ना। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका एलसीएम लेंगे, तो 2 3 का एलसीएम कितना, 6 ठीक सर। उसके बाद बच्चा मेरा क्या करेगा, लक्ष्मण रेखा खींचेगा, जो एलसीएम है उसको नीचे लिखेगा, फिर 2 का टेबल पढ़ो 6 कितने टाइम में, 3 टाइम में। न्यूमरेटर में 5/5 प्लस 3 का टेबल पढ़िए 6 लाइए, 3 का टेबल पढ़िए 6 लाइए कितना टाइम में, 2 टाइम में। न्यूमरेटर में 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे हो गया। 3 5 जा कितना सर, 15। 2 4 जा कितना, 8/6। 15 + 8 मेरा बच्चा नहीं कर लेगा, 23 हो जाएगा बटा 6। तो यही ये मिक्स फ्रैक्शन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। लिखिए सर कितना बड़ा एडिशन है सर, लेकिन मेरा बच्चा आराम से कर लेता है, जितना पीछे वाला बात बताए ना सब याद रहेगा ना, तो हो जाएगा, कोई नया लिखना चीज नहीं है। लिखो और अभ्य द्विवेदी, अभ्य लिखो जी। सर अच्छा, सारे बच्चे को लिखने दीजिए। डन सर सर सुबह ब्लर वाला अलग, सारे बच्चे को सुबह वाला अलग कॉपी में लिखना है, शाम में वाले को अलग कॉपी में लिखना है। डन सर शाम वाला साइन अलग साइन में ये लिखता हूँ सर अच्छा, अच्छा बड़ा कीजिए अच्छा कॉपी में करता हूँ सर लिखिए, वेरी गुड। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता, सर आधा दूर तक नया आपका सीखना, उसके बाद तो पुराना ही एडिशन आता है जो पहले आपको सिखाए हैं। कुछ है ये सब में जी, कुछ तो नहीं है सर। डन सर ये वेरी तो पूरा गुड, एक नोटबुक डन नेक्स्ट। सर चलिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा, सर 2 मिनट 2 मिनट जल्दी लिखें। सर ब्लर आ रहा है क्लास इसका सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, बाबू का क्लास सर सर ब्लर कहाँ है सर? वो अनन्या के साथ ये भी शैतान होते जा रहा है, वो तो जा रहा है, वो अनन्या तो शैतान है ही। कोई दोनों आया हुए ना घर सर हाँ, दे थोड़ा दीजिए तो घींच के दो चार चाट, थोड़ा पास ही में है का, बाबा दीक्षा नहीं होगा दादा के साथ बचवा पढ़ेगा नहीं, एक के ट्यून तो रहता ये सब। बाबू आपको, बाबू है ना थोड़ा सा सर कुछ है इसमें बाबू, देखो कुछ है सर, कुछ नहीं के। इस फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ब्रेक किया, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ब्रेक किया, और लास्ट में ब्रेक करने के बाद ऐसा आ गया, तो इसके बाद तो ऐसा का एडिशन सिखाई भी किए थे ना, ऐसा वाला का एडिशन नहीं सिखाए हैं। 300 क्वेश्चन, 3341 क्वेश्चन कहाँ से हो गया है ना, ऐसा वाला का तो एडिशन सिखा चुके हैं। हाँ सर, एक बार और बताइए। अच्छा ठीक है, एक बार और बता रहे हैं, अदर क्वेश्चन मन से पढ़ना पाल, मान लो ये 342 देखो क्या है सर,
ये मेरा बच्चा कितना खुशी खुशी कर लेता बताओ, है ना। आप लोग बहुत तेज हो पढ़ने में, 2 क्लास 3 क्लास का बच्चा ये सब कर लेता है, बड़ी बात है। जैसे 5 होल 2 बाई 3 सर, और 3 होल 1 बाई 2 सर। बच्चा डरेगा नहीं डरेगा, शांति से सुन। अनुभव वीडियो ऑन करो जी। कैसे करेगा बच्चा मेरा, इसको क्या करेगा, फ्रैक्शन में ब्रेक करा है ना लवण्य, तो इसको फ्रैक्शन ब्रेक करेगा कैसे बताएं। लक्ष्मण रेखा खींचो और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 3, ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे में 3 है 3 लिख दो, इसको भी ब्रेक करो। तो कैसे करोगे, लक्ष्मण रेखा खींचो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 2 और गुड ऊपर में 1 है इवनिंग ना, और नीचे में कितना है, 2 है। श्रुति शैतान स्पेशल टाइम पे आती हो जी श्रुति। सर, मैम पढ़ाने अच्छा आई अच्छा फिर क्या करोगे, 5 3 जा कितना, 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा कितना, 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 15 प्लus 2 कितना, 17/3, प्लस सेवन प्लस प्लस 6 प्लस 1 7/2। तो इसको ब्रेक किया तो ऐसा आ गया ना आंसर। अब क्या करना है, अभी इसका ऐसा वाला ऐड कर लेना सीखा है, तब ये फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, फ्रैक्शन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। तब क्या करेगा बच्चा मेरा, एलसीएम लेगा, किसका एलसीएम लेगा, 2 का 3 का, या पहले 3 है सर 3 लिखो, 2 लिखो, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा 2 3। तो 2 3 का एलसीएम कितना होगा, बच्चा को शुरू से बताते आ रहे हैं, 2 3 का एलसीएम 6। अब बच्चा क्या करेगा, लक्ष्मण रेखा ड्रा करेगा। अब यहाँ 3 का टेबल पढ़ो 6 लाओ, 3 का टेबल पढ़ो 6 लाओ, कितना टाइम है, 3 2 जा 2 हो गया, न्यूमरेटर में 17 है 17 से मल्टीप्लाई करो, 2 का टेबल पढ़ो 6 लाओ, 2 का टेबल पढ़ो 6 लाओ, कितना में, 2 3 जा से न्यूमरेटर में 7 है 7 से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट बाबू 2 17 2 जा कितना सर, 34 सर, 3 7 जा कितना सर, 21 सर/6। अब बच्चा मेरा 34 है, 21 ऐड करेगा तो नहीं ऐड कर लेगा, 5 हो जाएगा 55 हो जाएगा, लिखने से फिफ्टी मैंने फाइव बटा सिक्स हो जाएगा। तो कुछ है बच्चा मन का सच्चा, जिसको नहीं समझ में आया शांति से सुनना। देखो अभी लिखना नहीं है सन्विका, शांति से देखो, देखो श्रुति बाद में लिखिएगा। अभ्या वीडियो ऑन करो जी। नहीं लिख अभी नहीं लिखना है। रही अनन्या है लेट, सर, अनन्या लेट से कहा जाती हो जी, क्लास क्लियर भूल जाती हो जी अनन्या। माला 2 से 3 क्लास होता है तो सर ने वाच नहीं देखा इसलिए हो गया। सर ने क्या नहीं देखा, बात नहीं देखा बाबू, नहीं सर, उन्होंने देखा टाइम नहीं देखा और पढ़ाते हुए 3 10 और 12 तक 3 12 तक सर, इसलिए हम लोग लेट हो अच्छा अभी पूछते हैं मम्मी से। जैसे गए। 2 होल 1 बाई 2 बाबू, आप +3 होल 1 बाई 3 मान लो। देखो जी शांति समझिए, इसको कह रहा ऐड करने के लिए, तो मेरा वीडियो ऑन करो जी, मेरा बच्चा कैसे करेगा। देखो अभ्या लिखना नहीं है, लिखो ना, दिखाइए नहीं दरा। इसको क्या करेगा बच्चा सन्विका शैतान, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ब्रेक करो, फिर इसको भी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ब्रेक करो, ब्रेक करे बताइए किए हैं, और लास्ट में फ्रैक्शन बचेगा, दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर देना है। शाम को आपको इसी का क्या बता रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, कैसे करोगे, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करोगे, लक्ष्मण रेखा खींचो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर में 1 है जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। हाँ सर ऐसे ना करते हो। फिर इसको कन्वर्ट, वीडियो ऑन करो जी, इसको कन्वर्ट करो, तो इसको कैसे करोगे, लक्ष्मण रेखा खींचो, आई दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 3, न्यूमरेटर में 1 है 1 को जोड़ दो, नीचे में क्या लिखेगा बच्चा, 3 लिखेगा। हाँ सर नेक्स्ट 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, +1 डिवाइडेड बाई 2, 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, +1 डिवाइडेड बाई 3,
है ना। फोर प्लस वन कितना सर, 5/2। 9 + 1 कितना सर, 10/3। तो ई फ्रैक्शन का, मिक्स फ्रैक्शन का ब्रेक किया, ये आ गया। इस मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक किया, ये आ गया। अब दोनों को क्या करना, गठबंधन करना, ऐड करना। तो दोनों को प्लस से ऐड कर दो, क्वेश्चन में ऐड है तो ऐड कर दो। अभी वाला एडिशन ना सिखाएं आप लोग को, इसके पहले फ्रैक्शन का एडिशन यही सब सिखा रहे थे ना, कि नहीं? इसके पहले एडिशन ये सब तो सिखा ही रहे थे, तब इसको ऐड करने नहीं आएगा। बच्चा क्या करेगा इसके बाद, बच्चा एलसीएम लेगा। बच्चा मेरा क्या करेगा, एलसीएम लेगा। किसका लेगा, 2 3 का। 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। अब बच्चा क्या करेगा, है ननिया वीडियो ऑन करो जी। बच्चा क्या हम करेगा, एक लक्ष्मण रेखा खींचेगा, जो एलसीएम है उसको नीचे लिखेगा। ठीक, दोनों फिर 2 का टेबल पढ़ो सनवी का। 2 का टेबल पढ़ो, 6 लो। 2 का टेबल पढ़ो, 6 लो, कितना, 2 3 जा। थ्री न्यूमरेटर में 5 है, 5 मल्टीप्लाई करेगा, ज्यादा इंक आ गया क्या बाबू, है ना? हाँ सर, इंक तो लगता है इसमें ज्यादा आ गया। ठीक सर, अभी नहीं, अभी नहीं, है ना? ठीक ठीक सर। बच्चा क्या करेगा, 2 का टेबल पढ़ेगा, 6। 2 का टेबल पर 6 कितना टाइम में, 3 टाइम में। न्यूमरेटर में 5 है तो 5 मल्टीप्लाई करेगा बीच। हाँ ठीक, परेशान करता है। 3 का टेबल पढ़ो, 6 ला। 3 का टेबल पढ़ो, 6 ला, तो 3 2 जा 6। न्यूमरेटर में 10 है, 10 मल्टीप्लाई करेगा। अब बच्चा नहीं करेगा, फिर 3 + 5, फिर 3 हम कैसे मल्टीप्लाई निकल 15, रहा है? 2 10 जा 20। बहुत पिटेंगे जी, 6। 15 + 20 20 रुपया, +15 रुपया कितना रुपया, 15 रुपीज + 20 रुपये, 35। 35। तो ये 35/6 हो जाएगा। तो कुछ करना थोड़ी है मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन में। आपको क्या करना, इस फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, और इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। और कन्वर्ट करने के लिए बताइए किए हैं, और लास्ट में कन्वर्ट करने के बाद आएगा उसको फ्रैक्शन का एडिशन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन का एडिशन पहले सिखाइए दिए हैं, तो जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहा है तो वो आपको पहले सब हम सिखा दिए हैं। तो उसी स्टेप्स को यहाँ यूज करके क्वेश्चन बनाना है, खुश रहना है, बच्चा सबसे आगे हो जाना, यही बना बना के लिखो। अब आप लोग समझे सनविका शैतान, ये आप जरा समझे जी। हाँ लिखिए, सर हाँ लिखिए लिखिए, आव्या समझे जी, एक काव्या की सिस्टर आव्या। मैं समझी थी सर। ए भूमि बाबू, आपका नेटवर्क कैसे ब्लर का आता है जी, शैतान इसका हमेशा ब्लर चले ले रहती है। लिखिए, हाँ अब ठीक है, सर नीचे वाला नहीं दिखा। हाँ तो सबसे नीचे पहुंचेगा तो 55/6 है, बगल में ही लिख देते हैं जी। ये कितना हो गया, इसको ऐड करोगे तो 55/6 हो गया, हो गया। ए पीहू समझे जी, पीहू सर तो कितना दिन में तेज हो जाओगी जी, ना बोलती है जी। पीहू कितना दिन में तेज हो जाओ जी, हो जाओगी जी, नहीं सर समझा शिवांश, शिवांश बोला समझा जी। नहीं पता। मम्मी से पूछे, मम्मी जी हम कितना दिन में तेज हो जाएंगे। सर आपने 341 नंबर भेजा नहीं भेजे थे, भोले। अच्छा ठीक है, लिख लीजिएगा था किसी सर, से मैं नहीं मांग। समझा सर, कौन नहीं रिकॉर्डिंग समझा, नहीं समझी सर। अनन्या नहीं समझे जी। शिवा सर, शिवा अच्छा ठीक है, समझ जाइएगा। सर, मुझे अच्छे अच्छे से आ गया समझना, होमवर्क कल नहीं भेजो ना तो आपको समझाते हैं। ऊपर कीजिए सर, सर नहीं अगर आप थोड़ा और पीछे दिख रहा। समझा सर पहले भी देंगे तो कुछ मुझे और करवाए समझ थे, में आ जाएगा। तो नीचे कीजिए।
सर इसके पहले भी कुछ करवाए थे। इसका पहले एक क्वेश्चन हुआ है, जल्दी लिखिए जी। बच्चा कुछ नहीं करना है, समझी? लवनिया, लवनिया बोलेगी, लवनिया समझ गई? तो होमवर्क नहीं आएगा लवनिया, तो कल सौ सौ बार, कल आपका सेंचुरी। हाँ आपका आया, कल खाली नहीं भेजो ना। अब क्या हटा भेज, अब तो क्लियर दिख रहा है। जल्दी लिखे बच्चा मन का सच्चा। सर आप जब तक जैसे 17+3+7+2 के बाद आप फिर जो कर रहे हैं ना उसके बाद का फॉर्मेट मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाकी आ क्या? अरे उसके उसके बाद का बाबू पीछे नहीं पढ़ा है एडिशन जी, आगे से पढ़ते जाती हो पीछे से भूलते जाती हो आप लोग, बहुत सर मैं नहीं भूलता सर, आप एलसीएम के बाद मिक्स सब फ्रैक्शन का कुछ एडिशन ज्यादा नहीं पढ़ा पढ़ा है, है जी, सब पढ़ा है। पीछे वाला रिवीजन वगैरह कीजिए। कई को लेक्चर देखिए हो सनविका, मल्टीप्लिकेशन का कई को देखी जी, एको को नहीं देखी जी, खाता भी नहीं खोली जी सनविका शैतान। अभी रुको क्लास के बाद इसके मम्मी से बात करते हैं। जल्दी लिखे बच्चे मन के सच्चे। सर वो पहले ही मेरे कॉपी में लिखा है। कल आपको बोले थे कि 6 लेक्चर डेली देखना है, तो कई गो देखी? एक भी नहीं ना देखी जी। डन सर। डन जल्दी मैम। लिख, जल्दी लिखिए बच्चा। डन सर। डन सर। सर डन सर अभी एक समझा दीजिए, अभी बहुत टाइम है। अच्छा एक क्वेश्चन और समझा देते, देखो जिसको जिसको नहीं समझ में आया अनन्या शांति से समझना। सर रुकिए सर, आई एम डन। ए अनन्या मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है जी? अनन्या अनन्या कहाँ गई जी? यस सर। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है? कल वाला होमवर्क भेजिए अनन्या, कल के दोपहर वाला क्लास का होमवर्क भेजियो जी अनन्या, कल दोपहर वाला क्लास का होमवर्क भेजियो जी। यस सर अभी चेक करते, होमवर्क नहीं आप लोग भेजिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा? देखो जिसको नहीं समझा फिर शांति से सुनेगा, शांति से सर। अच्छा सारे बच्चे शांति से सुनिए, समझ में नहीं सब आता। सर आप नहीं दिख रहे हैं, हम नहीं दिख रहे हैं, चलिए देखो जी। सर नहीं दिख रहे हैं, सर रुकिए। ओ 343 का सर 343 का मत मिटाइएगा, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। बाय बाय सर। एक और समझाते उसके बाद देंगे, देखो जो जो बच्चा को समझ में नहीं आया शांति से सुनेगा। फोर म्यूट करो जी। देखो वन होल टू बाई मान लो फोर है,
प्लस वन टू होल है होल, क्या या वन होल? हाँ टू होल वन बाई मान लो थ्री है, या वन बाई टू ये ले लो। इसको कारा ऐड करने के लिए अनन्या शांति से सुनो जी, ये अनन्या वीडियो ऑन कीजिए जी, सारे बच्चे शांति से सुनिए। देखो क्या है, बाद में लिखेगा जी अनन्या, अभी आपको 100 बार अनन्या को उठा बैठी करवाना है। टेबल कहाँ तक क्या दे अनन्या, इसे तान सुनती का नहीं, एक बार टेबल कहाँ तक क्या दे जी अनन्या? सर 21। अच्छा शांति से सुनो, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? ये जो मिक्स फ्रैक्शन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, एक लक्ष्मण रेखा खींचो नीचे, क्या करोगे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 1 ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे में 4 है 4 लिखो। इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे सुनो, 2 × 2 ये दोनों मल्टीप्लाई, ऊपर को जोड़ देना, नीचे में 2 लिखना, बीच में प्लस है ना तो प्लस दे दो आप दे। अब उसके बाद बच्चा क्या करेगा, 4 × 1 कितना, 4 + 2 / 4, 2 × 2 कितना, 4 + 1 / 2। यहाँ तक तो बच्चा ठीक है? ठीक है जी। यार अब वीडियो ऑन करो जी। अब बच्चा क्या करेगा, 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, बटा 4, 4 + 1 कितना होता है, 5/2, 4 + 1 5 हो गया, नीचे 2 है, 2 हो गया। अब इसके बाद इसको कैसे करोगे, तो इसको करने के लिए आपको बाबू हम पढ़ाए हैं, इसको करने के लिए आपको हम पढ़ाए हैं अनन्या, है ना, फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन सर, है ना बाबू, एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन। तो क्या करेगा, जो भी डिनोमिनेटर उसका एलसीएम लेगा, एलसीएम अब क्या लेगा, 4 है 2 है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, 2 4 का एलसीएम, 2 4 का एलसीएम कितना सर, 4 होता है। नेक्स्ट एक लक्ष्मण रेखा ड्रा करो, ठीक सर, नीचे में जितना एलसीएम है उसको यहाँ लिखना है, 4 का टेबल पढ़ो, 4 लाओ, 4 का टेबल 4 कितना टाइम में, 4 × 1 = 1 हो गया, न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई करना रहता है, 2 का टेबल पढ़िए 4 लाइए, 2 का टेबल पढ़िए 4 कितना टाइम है, 2 × 2 = 2, 2 का टेबल पढ़ो 4 कितना 2 टाइम आएगा, न्यूमरेटर वाले को मल्टीप्लाई करो, यही तो करना है, 1 6 = 6 सर, 2 5 = 10 सर, बटा 4, 1 6 = 6, 2 5 = कितना 10, 6 + 10 कितना सर, 16, बटा 4। देखो अभी सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बताया है ना जी, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बताएं कि नहीं बताएं, ये 16/4 हो गया, तब 4 के टेबल में 16 आता है सर, हाँ सर, कितना टाइम में, 4 टाइम में, तब 4 से मर गया, 4 से क्या हो गया, ये मर गया, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिनोमेटर में नहीं कुछ है तो 1 बचेगा, तो 4/1 बराबर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, है ना। तो यही तो करना है अनन्या, कोई नया स्टेप थोड़ी करना, जितना पीछे पढ़ाए वही सब यूज करना है। सर मैं आज आपको 6 लेक्चर भेज दूंगी, मैं सुबह सुबह। सर ये मिक्स एडिशन है क्या? हाँ ये मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन है, लिखिए आप लोग। अभी सनविका आपके मम्मी से बात करते हैं भोली, अभी आपको लगेगा 2-4 चप्पल घींच के, लिखिए बच्चा उम्र को ना किसे भेजती नहीं है, आपको 6 लेक्चर डेली देखना है सनविका, आज अभी तक एको वो नहीं देखी हो, कैसे होगा, सुबह से क्या कर रही थी जी? सर डीआईवाई। अच्छा दे रहे हैं डीआईवाई, बात मत बनाइए, 3 होल 1/3 + 4 होल 1/2। हाँ 7 होल 1/2 + 3 होल। हाथ दुख गया, कूटिए देंगे पकड़ के। मैं भेज दीजिए 2/3, आपका ससुर भी होमवर्क वगैरह नहीं कभी आता है जी, 2/3
ये इसको भी ऐड करना है। दाल चावल। सर्टीन। हाँ, चारे दे रहे हैं, ज्यादा नहीं देते हैं। सर ग्रुप में भेज दीजिए डीआई में। लिखी सुर भी शैतान करेगी नाटक। सर लिख लें ग्रुप में भेज जो जो दीजिए। बच्चा को होमवर्क नहीं आएगा कूटेंगे। सर ग्रुप में भेज दीजिए, मैं ग्रुप से देख के लिखूंगा। अभी लिखिए। सर अभी आज लिख सनविका एक को लेक्चर नहीं देखी हो जी? सनविका टाइम पार्सल। एक को